जय हिंद स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं शिवानी पठानिया आप सभी को हमारे कॉलेज आरआरएम के आर्य महिला महाविद्यालय कॉलेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैम डॉक्टर गुरमीत कौर तथा पूरे स्टाफ की तरफ से आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब आशा करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य और अपने सपनों को पूरा करें तथा अपने परिवारों का नाम रोशन करें। स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान पैसों के अभाव से गरीब नहीं होता, परंतु सपनों के अभाव से वह बहुत गरीब हो सकता है अगर वह सपने ना देखे तो इसलिए आप सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए अवश्य मेहनत करें। मेहनत करने के लिए आपको सिर्फ अपनी आदतों को बदलना है, क्योंकि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते पर अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और आपकी बदली हुई आदतें निश्चित एक दिन आपका भविष्य बदल देंगी। तो आज से ही मेहनत करने की आदत डालें। विद दिस पॉजिटिव नोट, अगेन वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस और भी ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि ईमेल आईडी को चेक करना, अपने आंसर शीट को स्कैन करना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, कॉलेज की एग्जामिनेशन आईडी पे या ईमेल आईडी पे उसको समय से भेजना आदि। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें ध्यान से देखें। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया गया है, जिसमें आपने अपनी डिटेल्स भरनी है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, लाइक एग्ज़ाम कोड, सब्जेक्ट कोड एक्सेट्रा। ये आपकी टाइटल शीट रहेगी, और इसके साथ आपने 25 A4 शीट्स का और इस्तेमाल करना है। क्लियर? इसमें दो सेक्शंस दिए गए हैं, ए सेक्शन आपके लिए है और बी सेक्शन में आपने कुछ नहीं करना है, उसको आपने टच नहीं करना है। क्लियर? तो एक बार ए सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। तो एग्ज़ाम कोड, सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी में जो भी आपका एक पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम कोड और सब्जेक्ट कोड दोनों लिखे रहेंगे। आपका जो भी पेपर होगा, इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, म्यूज़िक है, क्लियर? तो वहाँ यहाँ पर आपने सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भरेंगे, और नीचे आपको तीन टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं, 8 to 11 AM, 11:30 AM टू 2:30 PM एंड 3 to 6 PM। अब आपका पेपर जो है वो जिस भी टाइम स्लॉट में है, ये आपको आपकी डेट शीट के ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन लिखी होगी, उसमें आपका टाइम मेंशन होगा। तो आपका जो भी टाइम स्लॉट में पेपर आप दे रहे हो, आपने उसको जस्ट टिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा है नंबर ऑफ A4 शीट्स अटैच्ड एक्सक्लूडिंग द टाइटल पेज, मतलब कि ये जो पेज जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको इसके अलावा आपने जितनी भी शीट्स अटैच की हैं आपने वो भरनी है। मैक्सिमम आप 25 शीट्स भर सकते हैं अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर आपने 24 भरी हैं, 22 भरी हैं, 23 भरी हैं, तो आप वहीं पे वही यहाँ पर वही नंबर भरेंगे। क्लियर? अब इसके दूसरे हिस्से में आते हैं। हेयर रोल नंबर एंड फिगर, आपका जो भी रोल नंबर है उसको आपने फिगर में लिखना है, फिर उसको वर्ड्स में लिखना है, लाइक 100, 1000, 1,00,000 एक्सेट्रा। उसके बाद आपका नाम, आपने अपना नाम भरना है, क्लास का नाम भरना है, क्लास का नाम भरेंगे और ब्रैकेट में सेमेस्टर ज़रूर लिखेंगे। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने कॉलेज में दिया है वो भरना है आपने। कॉलेज का नाम लिखना है, जैसे कि हमारे कॉलेज का नाम RRM के आर्य महिला महाविद्यालय है, तो ये पूरा लिखेंगे और नीचे आपके साइन करने हैं। क्लियर? तो ये एक सेक्शन के रिगार्डिंग सारी इंस्ट्रक्शंस थी जो आपने साफ नीटली भरनी है। उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस। नोट, ठीक है, आपने सिर्फ A4 साइज पेपर का ही इस्तेमाल करना है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप
25 पेजेस से ज़्यादा पेजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टाइटल पेज मिला के आपके टोटल 26 शीट्स होनी चाहिए। टाइटल पेज जो है वो हर एक पेपर में आपने अटैच करना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आपका आंसर शीट होगी उसके 25 पेजेस के ऊपर आपने उस दिन का पूरा फिल करके अपनी इन्फॉर्मेशन और टाइटल पेज ज़रूर अटैच करना है। फोर्थ नोट इज पेज नंबर मस्ट बी रिटन। जो भी शीट आपने लगानी है, पहली, दूसरी, तीसरी, उसके ऊपर आपने अपने हाथ से उसका नंबरिंग ज़रूर कर लेनी है पहले। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले नंबरिंग कर लो और फिर उसके बाद पेपर शुरू करो, ठीक है। ऑल द पेजेस मस्ट बी स्कैंड। आपने जब अपनी आंसर शीट तैयार हो गई, आपका 3 घंटे का पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको 30 मिनट्स मिलेंगे आपका इसको स्कैन करने के लिए, फिर उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपने ध्यान से एक एक पेज को स्कैन करना है। इसके लिए बहुत सारी आपके ऐप स्टोर में, आपके मोबाइल ऐप स्टोर में बहुत सारी स्कैनिंग ऐप्स होती हैं। तो आपने अडोब स्कैन, रीडर, ये सारे आपने इनमें से कोई भी आप स्कैनिंग के लिए ऐप जो है वो कर सकते हैं। फिर उसको PDF में एक सिंगल PDF फाइल बनानी है उसकी, उसमें पेजेस अरेंज करने हैं ऑर्डर में। और उसके बाद कॉलेज आपको जो भी ईमेल आईडी देगा, जिस क्लास को जो ईमेल आईडी मिलेगी कॉलेज की तरफ से, आपने उस कॉलेज की उस ईमेल आईडी पे आपने सेंड कर देनी है। होप आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगेन इन द एंड आपको फिर अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।